आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न, जो मिशन उन्होंने लिया कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल और हर नल में पानी, और वो मिशन 2024 तक पूरा करने का टारगेट पूरे देश के लिए दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का टारगेट रखा, और लेकिन पंचकूला जिला ने इस टारगेट को, यूँ कह लीजिए कि 2021 के अंदर ही या 2020, क्योंकि जनवरी का या फरवरी का मंथ है, हमने इस मिशन को पूरा किया। जिले की 128 पंचायतों के अंदर लगभग 77,000 मीटर पाइपलाइन डाल करके और हर घर के अंदर नल पहुंचाने की व्यवस्था पूरी की है, जो एक बहुत बड़ा मिशन था, हमने उसको पूरा किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो मोरनी की पहाड़ियों के अंदर या बरवाला के गांवों के अंदर, हर स्तर के ऊपर, हर घर के अंदर जो जल फॉर नल, नल फॉर जल जो है ना, वो लग गया है। और ये इसका टारगेट ये है कि हर घर के अंदर प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी कम से कम हम दे रहे हैं। वैसे तो हमारे पास आज ज़्यादा है, कम से कम 55 लीटर पानी जो है वो हर व्यक्ति को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम कमेटियों का गठन किया गया है, सरपंच की अध्यक्षता में ये कमेटियां गठित की गई हैं, और इसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है, उनका योगदान इसके पानी की कमी को, पानी की समस्या का समाधान के लिए मिले, ये प्रयास किया गया है। और 128 समितियां जो हैं आज फॉर्म हो चुकी हैं। पंचकूला पूरे प्रदेश का पहला जिला बना है जहां 100% ये हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। एक विलेज रामगढ़ के अंदर जहां पर केमिकल टेस्टिंग भी होती है और दूसरा बैक्टेरियोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो भी होती है, और दूसरी लैब पिंजौर के अंदर है, तो उपभोक्ताओं को शुद्ध पानी मिले उसकी पूरी व्यवस्था, उनकी पूरी टेस्टिंग जो है आज इन लेबोरेटरीज के अंदर की गई। हाँ देखिए, वो हाँ एक पोर्टल शुरू किया गया है और एक टोल फ्री नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर 1800180 5678, ये नंबर जो है हमने सभी लोगों को दिया है, और सारा जो हमारा जो पोर्टल के ऊपर है, और इस नंबर पर कंप्लेंट करने से सीधी कंप्लेंट जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जेई है, उसके पास जाती है, और 2 दिन के अंदर इस कंप्लेंट को ख़त्म करने का, कंप्लेंट को जो है दूर करने का प्रावधान किया गया है।